पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये सब कुछ मेरे नाम, लेकिन तुम अपने नाम कर सकते हो। क्या हुआ, चौंक क्यों गए? पैसे के लिए ही कर रहे हो ना ये सब कुछ? सर, तो ये देखिए फुटेज। पापा, शादी तो हो गई ना? आज मामा की पहली रसोई है, तुम्हें हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए ना, हमें थोड़ा फन भी करना चाहिए। राइट यू, राइट पियो। चलो देखते हैं मामा केक कैसे बना रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लखन? ये तुम गलत कर रहे हो लखन। लखन, लखन दरवाजा खोलो प्लीज। लखन, लखन हम बात कर सकते हैं, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लखन ऐसा मत करो, सब कुछ बिगड़ जाएगा। लखन अब क्या सोचा? बहुत कुछ। अब यश खन्ना शर्मिंदा होगा, अपने घुटनों पे चलकर मेरे पास आएगा, अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने। बस देखते चल। लखन प्लीज दरवाजा खोलो। लखन, लखन मेरी बात सुनो, हम बात करते हैं ना। हो, पूरी की पूरी रसोई बना डाली तूने। अरे मैं कोई मदद करूं? अरे वाह, मिस्टर राम कपूर मेरी हेल्प करने आए हैं। सूरज आज कहां से निकला है? वो तो अरे यार तुम क्या कर रहे हो प्रिया? मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, मतलब हस्बैंड वाइफ की इक्वालिटी में, राइट? अगर वाइफ बना रही है तो हस्बैंड को अप्रिशिएट करके खाना चाहिए। मुझे पता था आप यही कहेंगे। आप उन मर्दों में से हैं जो चाहते हैं कि औरत हमेशा किचन में रहे। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू यार। प्रिया कम ऑन यार, आई एम अ फेमिनिस्ट, यू नो दैट। हां मम्मा, पापा फेमिनिन है। नहीं, फेमिनिन नहीं है वो, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर फेमिनिस्ट हूं मैं, फेमिनिस्ट। वो क्या होता है? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा है यार, ये सवाल ना सबको पूछना चाहिए। फेमिनिस्ट वो होता है ना जो औरत या मर्द में कोई अंतर नहीं देखता, और अगर औरत को जरूरत पड़े तो उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है, कभी उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने देता, कभी नहीं। यू मिस्टर कपूर, अपनी मिल जाएगी, डोंट वरी। हे नो गुसुबुसुर, मुझे बताओ क्या बात कर रहे थे? हम तो ऐसी बात कर रहे थे कि तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगे हमेशा। वो तो मुझे पता है। अच्छा, एक सेकंड रुको, बताओ क्या बताया तुम? मम्मा ने मुझे बताया था पापा हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। मैं आपसे मिलती ना, उससे पहले मुझे बहुत डर लगता था। जब मम्मा कहती थी आपके पापा बहुत ब्रेव है, कोई भी प्रॉब्लम होती थी डरते नहीं थे, मुझे भी नहीं डरना है। तुम्हें पता है मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना किसने सिखाया? किसने? तुम्हारी मम्मा ने। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आता है ना, अपना हौसला कभी नहीं खोना चाहिए। चाहे कभी कभार मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मेरा सब कुछ खो गया है या मैं हारने वाला हूँ, मेरा हौसला हमेशा इन्होंने बढ़ाया, मुझे स्ट्रेंथ इन्होंने दी है। और पता है जिंदगी में वो पावर कहाँ से आती है? असल हिम्मत यहां से और यहां से। अगर आपका दिल और मन आपका स्ट्रांग हो ना, तो आप जिंदगी में कोई भी मुश्किल आता है उनका सामना कर सकते हो हिम्मत रख के। तो हमें क्या करना है? अपना दिल और अपना मन, अपना दिमाग स्ट्रांग करना है, है ना बच्चे? करोगी आप? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल ना ये थोड़े बहुत सीरियस हो गए हैं और खड़ूस भी। मैं जोक सुना सकता हूँ? जी नहीं, सीरिस आप सीरियस हो गए और इनका इलाज तो करना पड़ेगा, है ना? गुड गुड अटैक। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे
अभी तक अपनी का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं कॉप्स के साथ हूँ, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा हूँ, बाद में इन्फॉर्म करता हूँ। पीहू की हंसी के लिए आप हंसते हैं और आपकी हंसी देखकर पीहू हंसती है। बेटा, आपके पापा में वो सब है जो एक आइडियल फादर में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो भी चूचते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है, जिंदगी है ना, सबके सामने मुश्किलें आती हैं, आपके सामने भी जरूर आएंगी, लेकिन तब आपको हारना नहीं है, अपनों पे भरोसा रखना है, उनके प्यार पर भरोसा रखना है, क्योंकि एक प्यार ही है जिसमें लोग डूबकर भी कभी डूबते नहीं है। पीहू, बस पापा को तंग मत करो। और अरे कितना खाती है यार, मतलब क्या खाती है जो थकती नहीं है, तुम पे गई है। मिसुत, अब आप भी मिस्टर गरुस की साइड ले रहे हो? हाँ। देखा आप सबने, शादी के बाद दोनों एक टीम हो गए। मेरी बेबी छोटू सिस्टर अभी तक नहीं आई ना, इसलिए। अरे अरे बच्चे, तुम भूला मत, पापा तुम्हारे टीम में हमेशा रहेंगे। ओके, और जो हमारी आने वाली बेबी सिस्टर है ना, मतलब तुम्हारी बेबी सिस्टर, मेरी तो बेबी सिस्टर नहीं होगी, प्राची, वो मैं तुम एक साथ मम्मी एक क्लास लेंगे, बहुत दंगे रहेंगे। अच्छा आप कपकेक तो खा लो। ये कपकेक रेडी है। आजाओ आजाओ आजाओ। ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। हाँ, अरे स्पून्स नहीं है, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं लेके आती हूँ। ओके ओके, गुड गर्ल। पीहू कितनी प्यारी है और समझदार भी, इसकी खिलखिलाहट से हम सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रुक, तुझे मिलेंगे, रुक, कुछ और ले लेंगे। मैं पर सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं जैसे लखन नहीं है। तभी उसके अंदर इतनी कड़वाहट है, नफरत भरी हुई है, गुस्सा है, कभी कोई प्यार करने वाला उसे मिला ही नहीं शायद इसलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लखन ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता प्रिया, कभी कभी खुद को मुसीबत में देखकर लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आम तौर पर करने की सोच भी नहीं सकते। गो, 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 रन। मैं लेके आई चम्मच। सबको एक एक। ठीक है, माँ आप बिल्कुल सही कहती है, पीहू के आने से सब कुछ बदल गया है। कितना हंसाती है ना सबको। और तुम देखना सारा, प्राची के आने से ये हंसी दुगनी हो जाएगी। पीहू तो प्यारी है ही, प्राची भी कुछ कम नहीं होगी, वो इतनी प्यारी होगी कि तुम देखना लखन जैसा गुस्से वाला भी उसे प्यार ही करेगा। आखिर लखन है तो इन दोनों बच्चियों का अपना ही ना। लखन प्लीज बताओ, अपनी कहाँ है, सीसीटीवी फुटेज में कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर तुमने कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर ना बोलूंगा तो मान लोगे? नहीं ना, जब तुम्हारे राम कपूर ने मुझे पहले ही दोषी मान लिया है तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? ड्रामा नहीं है, हमें सिर्फ अवनी की सेफ्टी का कंसर्न है। एक बार वो घर पहुंच जाएगी, राम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगा, तुम यहाँ से छूट जाओगे। वाह, तुमने मुझे निर्दोष और दोषी दोनों बना दिया। वैसे सच बात तो ये है कि तुम अपने दोस्त की तरह मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। लेकिन मैं तो दे सकती हूँ ना। ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जो सब कुछ मेरे नाम है, लेकिन तुम अपने नाम कर सकते हो। क्या हुआ, चौंक क्यों गए? पैसे के लिए ही कर रहे हो ना ये सब कुछ? ठीक है, अब अवनी को तो किडनैप कर ही लिया है, उसकी आजादी की कीमत भी ले लो, फिर उसके बाद शादी कर लेना, क्योंकि पैसे तो सब आपके पास होंगे ना। और आपको लगता है आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, प्यार भी, तो लीजिए, कर लीजिए जो करना है आपको। तुम पैसे दोगी मुझे? तुम्हें क्या लगता है पैसे से सब कुछ पा सकते हैं? क्या तुम्हारा ये पैसा मेरे कैरेक्टर पे लगे दाग को मिटा पाएगा? अवनी को अगवा करने का जो झूठा और घटिया इल्जाम मुझ पे लगा है, क्या वो मिटा पाएगा ये तुम्हारे ये पैसे? हाँ,
मिटा पाएगा। पैसा नहीं पर सच। लखन मैं जानती हूँ आपने ये सब नहीं किया है, बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए प्लीज प्लीज अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है किसने ऐसा किया होगा, क्योंकि अवनी सेफ नहीं है, उसे सच में किसी ने किडनैप कर लिया है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।